जो लोकसभा चुनाव है कैसा माहौल है यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया जी, मोदी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप मोदी को वोट दे रहे हैं या नवीन जिंदल जी को वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं जी मोदी को। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं जी मोदी जी। जिंदल जी नहीं कर रहे हैं? जिंदल जी तो अब आए जी, पहले कुछ था, दोबारा बढ़ के भी देखा, एक बार बढ़ने के बाद ये अब आए इलेक्शन के लिए आए हैं ये तो। अच्छा, जिंदल इलेक्शन के लिए आए हैं, बीजेपी लाई है उनको? बीजेपी लाई है तो सीधे तो नहीं आया, बीजेपी लाई है उनको तो। अच्छा, मतलब कांग्रेस में थी ये। फिर इसको ऐसा था तो कांग्रेस में रहना था, यही बीजेपी में कूद गए तो अदल बदल है जी, दल बदल है तो। हाँ, कभी सारे मंत्री ऐसे हैं जी, दल बदल है, कोई कुर्सी के भूखे हैं जी, चाहे न्यूना लगा लो न्यूना लगा लो। सिर्फ हम तो वोट दे रहे हैं तो मोदी को दे रहे हैं जी, और नहीं देते किसी। जिंदल को नहीं देते? नहीं देते जी, मोदी को देते। उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है जी, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, हम तो मोदी को देते हैं, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं जो। अरे मोदी जो कैंडिडेट उठा रहे हैं वो तो जिंदल ही है ना, एक तरफ से आप उन्हीं को दे रहे हैं वोट। चाहे जिंदल हो चाहे एक मट्टी का पुतला हो, हम तो सिर्फ जिंदल को देते हैं ना, मोदी को देते हैं वोट। अब उतनी जिंदल उठा दिया, जिंदल की जगह और भी ठाई सकते हैं किसी होती, हम तो भी मोदी को देते वोट। बात बताएं, जिंदल से क्या खुन्नस है आप लोग की? हमारी कोई खुन्नस नहीं है जी जिंदल से, जिंदल तो पहले दो बार बन लिया जी यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। फिर बीजेपी क्यों उठाई है? बीजेपी का तो देखो जो अपना उनका मतलब है, अपन इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, क्यों उठा रही है क्यों नहीं उठा रही है। हाँ हाँ, मैं मोना से आया। क्या माहौल है कुरुक्षेत्र का, कौन आ रहा है इस बार? कुरुक्षेत्र से जिंदल आएगा अब की बार। हाँ, तो एक बात बताएंगे कि यही जो बीजेपी थी जिंदल साहब को चोर भी बोल रही थी और यही बीजेपी उनको कोहिनूर बोल रही है, क्या बोलेंगे आप इस पर? तो राजनीति मसला है इनका, मैं वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी में आता है वो साफ हो जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है जिंदल साफ हो गए। मैं तो जिंदल के बंदा हूँ, हाँ शुरू से जिंदल ने अच्छे काम करे हैं, अच्छा आदमी है, भाईचारे में रहता है, मेन बड़ी बात यही सबसे। एक बात बता दीजिए, जब इतने अच्छे आदमी हैं तो फिर मोदी ने उनको चोर क्यों बोला? माँ मेरे को नहीं मालूम ये, मैं तो ज़्यादा राजनीति नहीं करता, मैं आदमी को देख के नहीं वोट देता हूँ, मेरे को जिंदल अच्छा लगता है इसको देता हूँ हर बार हर बार। क्या माहौल है इस पर, कौन आ रहा है कुरुक्षेत्र से? क्षेत्र से तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते जी, वैसे तो दोनों कैंडिडेट भारी हैं जी, सुशील गुप्ता भी और नवीन जिंदल भी जी। अच्छा, एक हम बात पूछना चाहते हैं, जैसे यही बीजेपी थी नवीन जिंदल को 2014 में चोर बोल रही थी और यही बीजेपी उनको अब यहाँ से टिकट दे दी और कोहिनूर भी बोल रही है, क्या बोलेंगे इस पे? इसके बारे में क्या कह सकते हैं जी, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जी इलेक्शन है, कभी किसी को भी टिकट दे देती है राजनीति में, क्योंकि कोई किसी को दे रहा है जी, कोई पार्टी किसी को टिकट दे रही है, कोई किसी को दे रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर बीजेपी में आ गए तो साफ हो गए? हाँ यही बात है जी, जिंदल जी साफ हो गए, जो चोर थे वो साफ हो गए? हाँ साफ हो गए जी। हाँ, इस बार मतलब क्या लगता है फिर भी, मतलब वैसे तो कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, तो दोनों की टक्कर है जी, सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल की जी। देखा जाए तो सुशील गुप्ता का मतलब एक साफ छवि है, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या लगता है उनका? सुशील गुप्ता भी जीत सकते हैं जी, जीत सकते हैं सुशील गुप्ता भी जी, टक्कर में है नवीन जिंदल के, दोनों की टक्कर है जी। हाँ, कितने सीटों से लगता है, कितने वोटों से जीत जाएंगे ये पता नहीं, क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र में कौन आएगा? कुरुक्षेत्र में तो जी जैसे आप तो माहौल कुछ जिंदल का और सुनील गुप्ता की बता रहे हैं। हाँ, सुशील गुप्ता आ रहे हैं इस बार कुरुक्षेत्र से, में है कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वैसे जिंदली फेस वैल्यू अच्छी है। फेस वैल्यू किस वजह से आप बोल सकते हैं कि अच्छी है? यही यही बीजेपी ने तो उन पे इल्जाम भी लगाया था ना सर, लगाया था लेकिन अब मजबूरी भी कर दी उनकी बीजेपी में आना, मजबूरी की वजह से आया है वो जिंदल, मजबूरी की वजह से। हाँ जी हाँ जी। तो क्या बोलना चाहते हैं? बोलना तो कुछ नहीं, देखो वही बात है, तो सरकार का फर्क है, बाकी थोड़ा हम माहौल अच्छा है, देखो फाइट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। सुशील गुप्ता का चांसेस ज्यादा? हाँ मतलब फाइट है दोनों की। अच्छा, क्यों, ये भी पार्टी से हो गया? बात बताएं, सुशील गुप्ता अरे जिंदल साहब को मजबूरी में आए बीजेपी में, लो पब्लिक कह रही है कि आप भी अभी बोले भी इल्जाम लगा रहे थे भाई ये तो घोटाला कोयले घोटाले में है, ये है वो है, अब देखो पार्टी में भी ले लिया, टिकट भी दे दी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में जो आता है वो साफ सुथरा हो जाता है? कहते हैं ये कि बोल तो सारे यही हैं जी। अच्छा, मतलब आप क्या बोलते हो, आपने तो अभी बोला ना। हाँ जी हाँ जी।
तो हम भी बोलते हैं भाई चलो वैसे देखो, हम ये नहीं कह रहे मोदी अच्छा है, मोदी की हम नहीं कह रहे, लेकिन पार्टी में तो सबने पता है घोटाले करो आ जाओ, अपने साफ सुथरा हो जाए बंदा। अच्छा घोटाले करो और बीजेपी में आ जाए, बीजेपी में आ जाओ साफ सुथरा हो जाता है बंदा। कुछ मैडम के पता, मैं कत्तुल में रहता हूँ। आप बोल रहे हो ना कि हम जिंदल को वोट नहीं देंगे, हम मोदी को वोट देंगे। कुछ कत्तर की बात करना, आप एक कत्तल है यह मोदी की जीत पक्की है, सबने मोदी की वहाँ तो जितने मेरी ऑटो बैठे ना, जितने मेरी ऑटो में सवारी बैठती है और जो मेरे साथ मिलते हैं सब आपा दिल जीता बंदा का मिल, जो मिलकर मिल गया ना अपना बाग नीचे का वाह। कुरुक्षेत्र का बताइए, जैसे इसी में आता है ना मोदी की जीत पक्की है। अच्छा मोदी तो कैंडिडेट उनको उठा रहे हैं नवीन जिंदल को। अब की बात की छोड़ तो इस बार तो छोड़, 2024 है, 2029 का इलेक्शन में मोदी जीतेगा और बोल 47 की गारंटी में देता हूँ और बोल गारंटी मोदी की। मतलब आपका कहना ये है कि मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ, जिंदल को वोट नहीं दे रहा हूँ। मैं बताऊँ नहीं नहीं जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ ना। मेरा वोट नहीं आगा, मेरा वोट नहीं आगा, मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरी कॉलोनी है, शहर में रहता हूँ मैं और जो मेरे ऑटो में जो मेरे हाथ होता सबके मोदी की वोट गिरवाऊंगा। तो क्या लग रहा है इस पर लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से किसकी जीत पक्की है? सुशील गुप्ता। सुशील कुमार गुप्ता। हाँ जी। अच्छा हाँ, क्यों लगता है ऐसा आपको? ये ऐसे है जी, मोदी झूठ पर झूठ बोल रहा है, 3 करोड़ मकान बनाया, किसों के नहीं बनाया, 4 करोड़ मकान कह रहा है, अब भी आगे झूठ बोल रहा है 3 करोड़ और बनाऊंगा। हाँ मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, उसमें जाके देखो धरातल पर कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा। सिर्फ ये 5 किलो अनाज इसी पर खड़ा रखी है दुनिया और। अच्छा, कोई नहीं। 5 किलो अनाज से मतलब बहला रहे हैं जनता को, फिक्र का बरगला रहा है इन्हें, इसको वो कोई फायदा नहीं है। ये PMY के फार्म में भरन लाग रहे हैं, उसकी 5 लाख कर दी सबकी, 5 लाख कर किया है, किसका फार्म भरा हम आंगनवाड़ी वर्कर, 5 लाख उसमें रख दी, ये मैं रखनी चाहिए थी कंडीशन भाई, पहला बच्चा का सारी भरो, दूसरा बच्चा का भी भर लो जी, निकाल दी वह स्कीम, फिर ये क्या मतलब होया। अच्छा। ये सब झूठ है, झूठ की गारंटी है, ये कोई बात नहीं है, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल के साथ है सारी संगत। अच्छा। तो इसलिए मतलब कुरुक्षेत्र से सुशील कुमार। हाँ, सुशील कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है? सुशील कुमार गुप्ता और नवीन जिंदल में है, 19-20 का फाइट है और क्या, बस ये है। चांसेस किसके हैं? जब ज़्यादा से ज़्यादा नवीन जिंदल के ही है चांसेस हैं। तो मतलब एक हम बात जानना चाहते हैं कि जैसे नवीन जिंदल को बीजेपी ने मतलब दिया टिकट और यही बीजेपी ने उनको चोर भी बोला था, तो बोला था तो समय की बात थी ना, उस समय कोई अभी फर्स्ट स्टेज में थे वो, जो कोयला चोर बताया गया था उनको, लेकिन आज की डेट में 10 साल पहले की बात है और आज में अंतर रहता है ना। अच्छा, तो मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जैसे जो बीजेपी में आता है वो साफ सुथरा हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप तथ्य आंकड़े के साथ बोलिए, किसी को भी बोलना है किसी को तथ्य आंकड़े से आप प्रूफ करिए कि उसने कोयला चोरी किया था, प्रूफ कीजिए 10 साल में आपने क्यों। वो तो बीजेपी ने ही ना बोला था। नहीं नहीं, किसी ने, आप किसी को भी हम किसी को आरोप लगाते हैं तो उसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, बिना प्रूफ के लिए तो हो नहीं सकता। आप ज्यादा से दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए, कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से ही समाधान होगा, बस और कोई बात नहीं। मतलब टक्कर किस में है? बस यही दोनों लोग में है बस। जी 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 जी। मतलब एक जैसे कि वो बीजेपी से सुशील आ गए, जिंदल जी आ गए और गठबंधन सरकार में सुशील कुमार गुप्ता है, तो मतलब सुशील कुमार गुप्ता पे साफ छवि है, कोई आरोप नहीं है, कैसे नेता लगते हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लोग सेम है, अभी व्यापारी हैं वो अभी व्यापारी हैं, अब उसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं नहीं, व्यापारी तो है लेकिन जितना देखा जाता है कि जिंदल जी हैं वो अभी 2-3 दिन पहले आए हैं अमेरिका से, ऐसा जनता ने बताया है। नहीं, जनता नहीं, जनता ही बोल रही है, और सुशील कुमार जी को बोल रही है कि वो जमीनी तौर पे जुड़े हुए नेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुशील कुमार गुप्ता भी हाईलाइट है, तो ऑलरेडी यहाँ से सांसद रह चुके हैं पहले से नवीन जिंदल, या कभी नहीं रहे हैं सुशील कुमार गुप्ता, तो उसका बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही। कुछ नहीं चाहते हैं कि जैसे कुछ बदलाव हो? बदलाव तभी होगा जब हम चाहेंगे, अब बदलाव उससे होगा जो हमसे उससे बढ़िया बंदा हो, तब सुशील कुमार गुप्ता उससे बेटर नहीं है। मेरा रामचंद्र करोड़ा। कहाँ से हैं? मैं करोड़ा से हूँ, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद रहा हूँ, पंचायती राज का अध्यक्ष कैथल का। तो क्या लगता है कौन आएगा इस पर कुरुक्षेत्र से? कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला जीतेगा।
छत्ती बिरादरी का साथ है इसके साथ। इसके दादाजी ने राजनीति बहुत बढ़िया तरीके से की, सभी लोगों का ख्याल रखा, गरीब और अमीर का भी ख्याल रखा। राजनीतिक में पैसा कमाने नहीं आए, उन्होंने राजनीतिक में सेवा करी। लोक लाज लोक राज से चलता है, चौधरी देवलाल जी के नक्शे कदम पर चल के उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इसे उस पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपना एमएलए का पद छोड़कर किसानों के साथ गा पहुंचे दिल्ली में, उन्हें उनकी मूलभूत सुविधा दी। ये भी सुनने में आ रहा है, चाहे है भी ऐसा कि मतलब उनके परिवार में ही एकता नहीं दिख रही है, चौटाला जी के परिवार में है। कांग्रेस में कुछ एकता है, बीजेपी में कुछ एकता है। बीजेपी ओनली एक मोदी को छोड़ गया, किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। सभी पैरासूट से आते हैं, मुख्यमंत्री पैरासूट से ही बदल देते हैं। अब नायब सैनी को बदल दिया सैमिन ने, खट्टर में क्या खराबी आएगी, 9.5 साल राज किया खट्टर ने, तो पैरासूट से नहीं आता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ग्राफ नीचे से चलता है और अपने कार्यकर्ताओं से मिलके ही कैंडिडेट उतारे जाते हैं। जैसे अभी कुरुक्षेत्र की सीट से नवीन जिंदल जी को वोट मिला है, जैसा कि आप बोल रहे थे कि बीजेपी ने साफ सुथरा कर दिया उनको। नवीन जिंदल जी पहले हटे, बीजेपी के कहने से हटे, क्योंकि ये बिजनेसमैन आदमी है, इसका बिजनेस ठप हो जाता अगर ये पीछे ना हटता। पहले वो कांग्रेस से था, अब दोबारा वो बीजेपी में चला गया। पहले तो नरेंद्र मोदी बड़े बड़े रुके मारे, कोयला चोर कोयला चोर, लेकिन इसके अंदर आ गया 35 मिनट में। इसने कौन सी वॉशिंग मशीन थी, इब कोहिनूर बना के उसने कैंडिडेट बना के भेज दिया। यानी कि ये सारी ज़बरदस्ती चल रही है, राजनीतिक नहीं है, ये एक तानाशाही है। तानाशाही से लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव आएगा। अरे अबे चौटाला, अब की बार में यहाँ सांसद के जैसे अकेला विधानसभा में सभी की बात उठाते हैं भाई साहब, किसान मजदूर के और तथ्य के मुताबिक उठाते हैं। जब भी जाते नहीं, पत्रकार मायूस हो जाते हैं। जिस दिन विधानसभा के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं जाता, पत्रकार भी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि पत्रकार उसको सुनने के लिए जाते हैं, भाई मुद्दे लेके चलता है और जो कहता है वो करके दिखाता है। सुशील कुमार गुप्ता भी हैं, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, ये तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आते हैं, लोगों के बीच में इनके पास टाइम नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वंशज हैं, तो ये तो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों की आवाज़ कर उठाते हैं।